छत्तीसगढ़ में कब आएगी जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा 2022-23। दोस्तों, आप सभी लोगों का यही सवाल था कि छत्तीसगढ़ में जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा कब आने वाली है। बहुत सारे लोग कमेंट करके एक सवाल का जवाब मुझसे पूछ रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती परीक्षा सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए कब आएगी। तो जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में। दोस्तों, अपडेट के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भर्ती परीक्षा के बारे में बात करने से पहले कुछ अभी छत्तीसगढ़ राज्य में जो एक नया माहौल चल रहा है, कुछ चीज़ें जो कि आपकी भर्ती परीक्षा को प्रभावित करती है, उसके विषय में कुछ मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपने ये न्यूज़ पढ़ा ही होगा कि छत्तीसगढ़ में अभी हाई कोर्ट ने जो आरक्षण पर एक फैसला दिया है, 58% जो आरक्षण पहले चल रहा था उसको उसने खारिज कर दिया है और कहा है कि 50% के अंदर ही सारे आरक्षण को रखा जाए। जिसमें कि आपको पता होगा कि ST के आरक्षण को 32% को कम करके 20% कर दिया है और SC के 12% को बढ़ा करके 16% कर दिया, यानी कि 16% कर दिया गया है। तो ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है करने के लिए, लेकिन अभी राज्य सरकार ने ऐसा कुछ घोषणा किया नहीं है। ठीक है, ये बातें चल रही हैं, अभी आपको ये पता ही होगा सब बारे में। उसके अलावा कुछ मैं आपको बता दूं कि अभी जो है क्या हुआ है कि बस्तर और सरगुजा जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र थे, वहाँ के स्थानीय निवासियों को पूर्ण रूप से वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती थी वहाँ पर नौकरी में, तो उसको भी पूरी तरीके से अभी समाप्त कर दिया है हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो असर पड़ रहा है, आपने देखा होगा कि जो PSC सिविल सेवा के जो अभी इंटरव्यू हुए हैं और प्यून भर्ती के नतीजे, इस तरीके के तमाम भर्ती परीक्षाओं के जो रिजल्ट आने वाले हैं उस पर इसका असर देखने को अभी मिल रहा है। बहुत सारे जो भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट को अभी नया निर्देश जब तक जारी नहीं होता है तब तक रिजल्ट जारी करने के लिए नहीं कहा गया है। उसी प्रकार एक खबर बता दूँ आपको मैं कि आरक्षण के जो मुद्दा अभी चल रहा है हम पर कम करने के लिए, उसके अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती परीक्षा की नियुक्ति हो रही थी उसमें भी अभी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई है, कुछ लोगों की नियुक्ति बची हुई है अभी। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि अभी जो है राज्य सरकार हमारी वो है सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका दायर करेगा, तो उनका प्रयास यही है कि जिस प्रकार का आरक्षण पुनः पहले था उसको फिर से पुनः वैसे ही किया जाए, इस प्रकार करने का उनका प्रयास चल रहा है। तो दोस्तों, अभी बता दूं आपको मैं कि जो भर्ती परीक्षाओं को जो नोटिफिकेशन जारी करना नहीं करना है, इस बात को लेकर संशय ये बना हुआ है कि आप खुद सोचिए कि जैसे ही अगर अभी कोई नोटिफिकेशन आता है नौकरी के लिए, तो अगर उसको पुरानी भर्ती जो पुराने आरक्षण नियम के अनुसार उसको यदि निकाला जाता है, तो बाकी स्टूडेंट जो उसके दायरे में नहीं आते हैं, जो अभी नए दायरे में आएंगे, वो लोग जा करके याचिका दायर कर देंगे कि जो हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है तो फिर उसके आधार पर क्यों नहीं निकाला गया है, वो स्टे लगवाने के लिए उस पर हो जाएंगे। और अगर नई जो आरक्षण नियम के आधार पर निकाला जाता है तो जो पहले के जो लोग हैं जो उस दायरे में आते थे आरक्षण दायरे में, उनकी सीट कम हो जाएगी, तो वो जाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे। तो पूरा कहने का मतलब ये है कि आपकी भर्ती परीक्षा जैसे ही आएगी वो तुरंत हाई कोर्ट में जाकर के वो स्टे लग जाएगी। तो राज्य सरकार अभी नहीं चाहेगी कोई भी भर्ती परीक्षा जा करके हाई कोर्ट में अटके, क्योंकि आपने इसके पहले देख लिया होगा असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती परीक्षा हुई थी WRD डिपार्टमेंट के लिए, तो उसमें भी एक साल तक पूरा स्टे लगा हुआ था, अभी हाल ही में उसकी परीक्षा हुई है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं फिर से। तो अभी जूनियर इंजीनियर की ही नहीं, मतलब अभी बहुत सारी जो भर्ती परीक्षाएं आने वाले थे उन सब अभी भर्ती परीक्षा आने में थोड़ा समय लगेगा। पर अगर मैं पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं कि आपकी भर्ती परीक्षा कब आ सकती है, तो आप इसको मान के चलिए कि अभी आपकी भर्ती परीक्षा जो है वो आपकी समझ लीजिए आप जनवरी मंथ 2023 की बात करें, तो इससे पहले तो अभी आपकी आने के चांसेस कम हैं। हो सकता है कि नया साल में, जब तक, मतलब कहने का ऐसा ये है कि जब तक आपका शॉर्ट आउट पूरा नहीं हो जाता है कि आरक्षण का कौन सा नियम लगाया जाए, हाई कोर्ट ने जो कहा है उस पर अमल किया जाए, या फिर राज्य सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट पर जाती है तो वहाँ से क्या फैसला आता है, जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तो नई भर्ती आने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, और ये बात कहीं छपी नहीं है इस प्रकार की कि 2023 में भर्ती आएगी, जनवरी में आएगी। ये एक प्रडिक्शन है कि कुछ जो विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे एक दो लोग से बात हुई है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि अभी चांसेस कम है निकालने के। अब उनके द्वारा तो सरकार को भेज दिया गया है कि लिस्ट कितनी वहाँ पर वैकेंसी खाली हैं, लेकिन अभी आने के चांसेस कम है। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी लिखा होगा कि ऊपर पढ़ लीजिए, लिखा है कि हाई कोर्ट के फैसले की वजह से उलझा मामला, नए निर्देशों के बाद जारी होंगे रिजल्ट। तो खुद सरकार चाहती है कि जब तक नया कुछ आदेश नहीं आ जाता, जब तक
तब तक कुछ ना ही रिजल्ट निकाला जाए ना ही कोई नई भर्ती निकाली जाए। तो आप मान के चलिए कि जनवरी से पहले आपका ऐसा कोई भी आपका, मैं बात करता हूँ मिन सब इंजीनियर जो सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए जो व्यापम लेता है उसके आने के चांसेस कम है, कम से कम जनवरी से पहले तो नहीं आएंगे मान के चलिए आप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारी नहीं करना है, आप तैयारी मान के चलिए कि जनवरी में अगर आ सकता है तो आप उसी तरह तैयारी करते रहिए अपना, कुछ छोड़ना नहीं है कि नहीं आएगा भर्ती परीक्षा। और इसके अलावा कुछ अभी अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अपडेट लेने मांग चलिए कि अभी ये दो महीने जो नवंबर दिसंबर में आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा तो कैसे ला सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि आएगी भर्ती खुद अटक जाएगी। हाँ, लेकिन एक इसका पॉइंट ये भी है मैं आपको बता दूं कि सरकार चाहे तो भर्ती परीक्षा को निकाल दे और भले ही फिर वो हाई कोर्ट में जाके अटके, उसके सरकार को न्याय देना ना हो, सरकार अपना काम कर सकती है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है। तो आप मांग चलिए दोनों पक्षों को कि अगर परीक्षा दिसंबर में अगर इसका नोटिफिकेशन अगर आ गया तो आपकी तैयारी को उस वैसे रखिए कि आप उस पेपर को दिसंबर में दिलाने के लिए एबल हों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके लिए मैं कुछ अपडेट लेकर आया था, तो उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। इस प्रकार की अपडेट के लिए चैनल से बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।